अरे इतना खुश क्यों हो? क्योंकि ना मुझे दिवाली वेकेशन स्टार्ट हुए हैं। ओह वाव, ये दिवाली वेकेशन ना तुम अपने मामा जी के साथ एंजॉय करना, ठीक है? मामा जी? हाँ, दिवाली पे मामा जी आ रहे घर पे। मामा जी आ रहे, सत्यानाश हो गया मेरे दिवाली का। परी बेटा, अरे परी बेटा किधर हो? अरे किधर गई है बच्ची? परी बेटा, अरे भाई साहब आ गया। दे बैग दे। अरे अभी आई हो बैग लेने के लिए? कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, कहाँ हो दोनों? सॉरी, वो तो आवाज ही नहीं सुन। मैं आपके लिए पानी ला दियो। इतना मत हंसो, दांत सड़ जाएंगे तुम्हारे। मामा जी, दिवाली तो अपने घर पे मनाते हैं, दूसरों के घर पे नहीं मनाते। अब मेरे घर पे मैं मनाता हूँ, पर अभी तुम्हारी मामी है, मेरी बीवी, वो गई अपने मायके, तो मैं भी चला आया अपने मायके दिवाली मनाने के लिए। हाँ, ये दीदी का घर मेरा मायका ही हुआ। मामा जी, बैग बहुत भारी लगते हैं, कुछ मेरे लिए दिवाली गिफ्ट लाए हो? अरे कुछ भारी नहीं है, इसके अंदर मेरे कपड़े हैं और ये तो मैं खाली लाया हूँ। खाली क्यों लाया हो? खाली लाया हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं सारे घर के गिफ्ट भर के लेके जाऊंगा दिवाली के। घर के गिफ्ट? हाँ, सब लेके जाऊंगा मैं इस बार। जाओ, मम्मी किधर गई है? पानी तो लाती नहीं है, जाओ तुम भी पानी लाओ, जाओ जल्दी। पानी लाने गई है ना मम्मी? तो खाना लगाओ, जाओ। पानी तो पी लो। अरे पानी तो आने से रहा, खाना लगाओ, जाओ। खाना खाऊंगा मैं, भूख लगी है। खाना तो हो गया। एसिडिटी सी हो रही है, कुछ तो मीठा खाने के लिए चाहिए। आइसक्रीम हो तो मजा आ जाए। भाई साहब, खाना कैसे लगा? खाना तो बहुत अच्छा था, पर थोड़ी एसिडिटी हो रही है। अच्छा, एसिडिटी? कुछ तो ऐसे मीठा वगैरह होना चाहिए खाने में। हाँ, आइसक्रीम चाहिए। फ्रिज में एक ही आइसक्रीम थी और एक ही थी, परी की थी। तो परी बेटा, आइसक्रीम चाहिए। एसिडिटी हो रही है। मामा जी को ना एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी? ओह वाह वाह वाह, क्या बड़ी आइसक्रीम है। हाँ, मामा जी को तो डायबिटीज है। दादा, अरे हाँ, वो भाभी ने बोला था कि आपको डायबिटीज है। तुम्हारी भाभी मुझे पार्टी भर पूरा करेले का जूस पिलाती है रोज। डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं, वो भाग गया डायबिटीज। पार्टी भर जूस पी? हाँ, करेले का भाई, वो इतना पी के डायबिटीज बचेगा? वो भाग गया। अभी आइसक्रीम खा लो। पर हम बाद में खा लेंगे। बढ़िया। परी, ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया मैंने, मैंने मामा जी के लिए बनाया। अच्छा सुनो ना, वो अब सो रहे हैं, जैसे ही वो उठ जाए तुम उन्हें लड्डू दे दोगी, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ ठीक है, दे दूंगी मैं। याद से दे देना। आइसक्रीम खाई थी ना मेरी, अब देती हूँ इन्हें लड्डू। मिल गई मामा जी के लड्डू में। अब मैं ये मिर्च पाउडर डालती हूँ, फिर देखती हूँ उन्हें कितने पसंद आते हैं लड्डू। मसाले वाले लड्डू रेडी, अब उन्हें दे के आती हुई। ओहो मामा जी, ये लो मम्मी ने आपके लिए मस्त
लड्डू बनाए हैं। अरे वाह बेटा, तुम खाओगी? नहीं मामा जी, आप खाओ ना, मैंने तो पहले ही खा लिया है। वाह वाह, स्वादिष्ट लड्डू। वाह वाह। इसमें तो मिर्ची आग लग गई। पानी लाओ। मामा जी, आपको पानी चाहिए? पानी लाओ। आग लग गई। पानी लाती हूँ। आग लग गई पानी। मामा जी, ये लो। ये क्या कर दिया मेरे बेटा? आपने ही तो बोला पानी कहाँ पे, पानी कहाँ पे, तो फिर मैंने पानी आपको दे दिया। अरे ऐसे थोड़ी देते हैं, मैंने पीने के लिए मांगा था। आपने ऐसे नहीं बोला था मामा जी, आपने बोला पानी कहाँ पे, पानी कहाँ पे। ये लड्डू तुम्हारी माँ ने क्या बनाया है? ये तो तीखे आग लग गई। मुझे नहीं पता मामा। अरे क्या हुआ भाई सब, आपने बाल कैसे भीग गए? अरे ये लड्डू तुमने मीठे थोड़ी बनाए, ये तीखे लड्डू कौन बनाता है? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत मीठे लड्डू बनाए थे, ये तीखे नहीं है। काके देखो, मीठे बनाए थे बोल रही है ये। देखा कितने तीखे हैं? नहीं मैंने इसमें तो गुड़ और चीनी डाली थी, ये मसाले वाले लड्डू बनाए। और जब मुझे आग लग गई, मैंने परी से पानी मांगा, उसने मुझे नहला दिया। लड्डू तीखे कैसे बन गए? मैं तो बोली देखो वो लड़की भी भाग गई अभी ऐसे। अरे वो बच्ची है ना, थोड़ी शरारत की होगी वो। बच्ची ने मिला इसमें मसाला। सॉरी भाई साहब, चलो चलो मैं आपको ना तौलिया दो मुझे। अरे मीठा मीठा शरबत देती हूँ। शरबत छोड़ो, पहले तौलिया दो। क्या हुआ, कहाँ जाने की बातें हो रही है? दिवाली है तो परी बोल रही थी उसे पटाखे चाहिए, पटाखे चाहिए, तो इसलिए हम पटाखे लेने जा रहे हैं। पटाखे चाहिए? इस परी ने मुझे मसाले के लड्डू खिलाए थे, इसको पटाखे चाहिए ना, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। पटाखे लेने? इस साल पटाखे फोड़ोगे तुम? अरे बाहर कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, पूरी हवा गंदी हो रखी है, और ऐसे में तुम पटाखे फोड़ के और गंदी करोगी। कितनी गंदी हो रखी है, कितनी गंदी हो रखी है हवा। मामा जी, मुझे तो लगता है आप ही हवा गंदी करती हो। मैंने? हाँ। मैंने कब गंदी की? मैंने तो कुछ नहीं, मैंने किया? नहीं नहीं नहीं। हाँ फिर पटाखे फोड़ने, तुम्हें मत फोड़ना, बहुत गंदी हो रही है हवा। एक क्या और सौ क्या, सबसे हवा गंदी होने वाली है। छोड़ दो छोड़ दो, लड्डू खाओ और खुश रहो दिवाली में बस। भाई साहब आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो। वेरी गुड मामा, बस एक। नहीं नहीं, इस साल तुम्हें कुछ पटाखे वटाखे नहीं मिलने वाले, मैं जानता हूँ। बहुत भूख लगी है। मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ पे रखा? दीदी ने मेरे लिए गिफ्ट लाकर रखा है। वाह बेबी, दीदी ने नहीं, ये मेरा। क्या? मेरे मम्मी ने मेरे लिए रखा। तुम्हें किसने बोला? तुम इस घर की हो, मेहमानों को गिफ्ट दिया जाता है। मैं दीदी को थैंक यू। तुम्हारा कैसे हुआ? क्योंकि मैं छोटी हूँ इसलिए मेरा हुआ। छोटी हूँ तो क्या हुआ, ये मेरा, दीदी ने मेरे लिए लाया। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाती हूँ। घर में एक तो त्योहार का माहौल है, और तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम तो मस्ती कर रहे थे। आप तो बड़े हो ना, आपको समझ में आना चाहिए ना।
और परी घर आए मेहमानों के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? चलो एक दूसरे के साथ सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ दिवाली सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे सॉरी मामा। सॉरी बेटा सॉरी। और प्रॉमिस करो कि ऐसा फिर से नहीं करोगे। ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो कभी किया भी नहीं। भूल गए। वेरी गुड। चलो जाओ अभी कपड़े चेंज करके आओ, हम पूजा करेंगे। ये लो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का हमारा ये फन और मजेदार दिवाली स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उस रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, परीज लाइफस्टाइल फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। हैव अ हैप्पी हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।